हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्वीनीज फन वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम बनाने वाले एक बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड। एंड आप इस कार्ड को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट कर सकते हो और हमें पक्का पता है ये उनको बहुत पसंद आएगा। तो वी ऑल्सो होप कि आपको ये हमारा ग्रीटिंग कार्ड बहुत अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिया है हमने एक वाइट पेपर, अब उसको हम जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो अब हम ले रहे हैं एक ओल्ड और पुराना सा कार्ड जो कि अभी कोई काम का नहीं है, तो अब हम इसको कट करके अपने कार्ड में यूज़ करेंगे। तो इट्स लाइक हम पुराने कार्ड से एक नया कार्ड बनाएंगे। तो अब हमारा जो कार्ड है अब उसको हम एक स्क्वायर साइज़ में काट लेते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो उसका हमने मार्क ले लिया है और उसको कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है और ये जो हमारा पुराना कार्ड है इसको हम डायगोनली ऐसे शेप में कट कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंट लुक दे। तो यहाँ हम इसको स्केल से मार्क करके अच्छी तरह से कट कर लेते हैं। तो ये हमने कट कर लिया है, तो चलिए इसको स्टिक कर देते हैं। तो अब इस पर हम ग्लू लगाएंगे, उसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमने लगा दिया है ग्लू और उसको फैला दिया। उप्स, गलती से उल्टा चिपक गया। तो ये हमने इस पर स्टिक कर दिया है। अब एक हल्का सा पिंक कलर का हमने यूज़ किया है, तो अब उसको हम लोग एक स्ट्रिप में काट लेते हैं। तो ये हमने एक पिंक कलर का पतला स्ट्रिप काट लिया है, अब इसको हम अपने जो कार्ड था उसके ऊपर चिपका देंगे। तो अब इसको हम इस पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया है, अब वही पिंक कलर पे हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा बो बनाएंगे। तो आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ये एक मैंने हल्का सा आउटलाइन रखा था, उसी की तरह मैं एक प्यारा सा बो बनाएंगे। तो आप चाहे तो एक ओरिगामी बो भी लगा सकते हैं, वो थोड़ा 3D लुक देगा, बट ये वाला बो भी बहुत प्यारा देगा लुक देगा। तो ये हमने बना लिया अपना बो, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बो। अब मैं इसको एक पिंक कलर के स्केच पेन से थोड़ा आउटलाइन कर देते हैं। तो ये आउटलाइन करने के बाद देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो अब इसको हमारे एकदम राइट साइड में इसको चिपका देंगे ग्लू से। तो ये रहा थोड़ा सा ग्लू और इसको हम चिपका देते हैं। अब हम तीन कलर के डिफरेंट कलर्स के पेपर लेंगे और उन पर एक छोटा सा प्यारा सा बलून बनाएंगे। तो आप जो चाहे कलर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये तीन कलर पेपर यूज़ कर रहे हैं और इस पर अपने मनपसंद बलून बना दीजिए और उसको कट कर लेंगे। तो ये रहे हमारे तीन बलून। तो अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसको रख देंगे ऑर्गेनाइज करके। तो चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब इस पर हम ग्लू लगा के इसको अच्छी तरह से स्टिक कर देते हैं। तो हमने इसको अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। सो अब हम यूज़ करेंगे एक प्यारा सा ग्लिटर पेन, तो ताकि इस पर थोड़ा सा शाइनी लुक दे जैसे बलून्स में आता है। तो वैसे ये डार्क कलर पेपर है तो इस पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट हाँ इस चमक ज़रूर रहे हैं। तो अब हम एक ब्लैक स्केच पेन से इनकी डोरी बना देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारी डोरी एक जगह पर आके मिले। तो ये सारी डोरी हम एक साथ बना देंगे और इसके साथ ही हम एक छोटा सा प्यारा सा बो भी बना देंगे इसके कॉर्नर में। तो ये रहा हमारे बलून्स। अब आप अपना जो भी विश है वो लिख सकते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर या फिर आप चाहे हैप्पी बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं। सो ये कार्ड मैं बना रही हूँ न्यू ईयर के लिए, सो हम यहाँ पर लिख देंगे हैप्पी न्यू ईयर। सो अभी मैंने इसको पेंसिल से लिखा है, तो
तो नाउ वी विल राइट इट विद द स्केच पेन. तो अब इसको स्केच पेन से मार्क कर लेते हैं जल्दी से. तो अभी थोड़ा सा नीचे का पार्ट थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैं ब्लू स्केच पेन से इस पर थोड़ा हल्का सा बॉर्डर कर दे रहे हैं. सो दैट्स इट. सो पूरा हो गया हमारा पूरा कार्ड. सो देखिए कितना प्यारा सा है और कितना इजी भी था ये बनाना. तो सो गाइस, ये था हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा कार्ड. तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा सा सिंपल सा कार्ड है ना, पर ऐसा नहीं है. हमने ये कार्ड इसलिए बनाया है ताकि जिनको नहीं भी आता वो भी बना सके और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सके. और इस कार्ड के लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए. जो आपके पास जो सिंपल स्टेशनरी रहती है, आप उसी से एक प्यारा सा कार्ड बना सकते हैं. तो आप इसको ज़रूर बनाइए, हमको भी बताइए. और हम आपके लिए लाए हैं कि अगर आपको लगता है कि ये भी बहुत हल्का फुल्का कार्ड है, तो हम आपके लिए और भी अच्छी कार्ड कलेक्शन लाए हैं. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबकी किसी ना किसी के बर्थडे, एनिवर्सरीज एंड ऑल सब कुछ आते रहते हैं, दिवाली एंड ऑल. तो उसमें हम कार्ड्स जब हैंडमेड देते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है. तो हम आपको आज दिखाना चाहेंगे अपना एक कार्ड कलेक्शन. तो चलिए देखते हैं.